सोनिया गांधी को ईडी द्वारा पूछताछ के नाम पर परेशान किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा पूछताछ कर परेशान किए जाने के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशानुसार स्थान कलेक्ट्रेट के सामने टीकमगढ़ में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा पूछताछ के नाम पर परेशान करने की निंदा करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार आरपी तिवारी को ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन के दौरान सूर्य प्रकाश मिश्रा, श्रीमती किरण अहिरवार, जिला अध्यक्ष भगत राम यादव, नवीन साहू, शंकर काजी, अनिल बड़कुल, रिंकू भदौरा, पार्षद देवी अहिरवार, फरीद खान, सुनील ठेकेदार, लक्ष्मण रेखवार सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। धरना प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी। टीकमगढ़ से जमील खान की रिपोर्ट। आज टीकमगढ़ में हम जिला कांग्रेस कमेटी के संदर्भ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि कल सोनिया गांधी जी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि जो देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सोनिया गांधी जी जो है वो सीनियर सिटीजन है, उनको अगर पूछताछ करनी ही थी तो उनको उनके घर जाना चाहिए था, उनको यहाँ ऑफिस में वहाँ पर बुलाया गया, ये गलत है। और हम सभी इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं।